अभी तो स्टार्टिंग करूंगी, कोई सा भी कर लूंगी, जो सबसे सिंपल होगा सबसे पहले मैं उसकी उससे स्टार्टिंग करूंगी। ये वाला सिंपल है वैसे। हाँ ठीक है, तो यही सिल लेती हूँ आज। तो फ्रेंड्स आनंद आ गया, 1 घंटे और 10 मिनट में 3 कुर्ते बन गए, एक ये वाला है और 2 वो नीचे रखे हुए हैं। ये सब मिला के मेरे पूरे 1 घंटे 10 मिनट में बन गए हैं तीनों। अब मैं और जो 3 पहले से रखे हुए थे वस्त्र वाले वो वाले बनाती हूँ। फ्रेंड्स हमारे बहुत देर से लाइट गई हुई थी, कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे हो चुके, 1 घंटे से ज्यादा, और चली भी गई। फ्रेंड्स लाइट नहीं है तो मैंने सोचा तो ये मेरे जो जर्किन है ना इसके बटन निकल गए हैं। हाँ और हमारी प्रीति को बिना लाइट में भी सुकून नहीं है ना। फ्रेंड्स मैंने कहा लाइट जब रहती है तो काम करते रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। और बटन एक एक टूट टूट के, मैंने 3 बटन टूट चुके थे और मैंने पॉकेट में रख लिए थे, मैंने कहा काम की लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अंधेरे में मैंने बटन तो लगाई लिए, अब लाइट आ चुकी है तो और फोन 10 बज चुके हैं। फ्रेंड्स पता है आप कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, कम से कम 2 घंटे। जे जो अपन ने कल ब्लाउज की कटिंग की थी इस वाले ब्लाउज को स्टिच करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने इसकी कटिंग का वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो इसकी कटिंग हमने कल की थी, कल वीडियो अपलोड कर दी थी, जाकर देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये हमारा ब्लाउज है, इसकी स्टिचिंग करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लाउज को साइड में कर देते हैं। ये हमने स्लीव्स ले ली है तो ये कलियां जो है, सबसे पहले कलियां ज्वाइन करना है तो इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर इतना इतना दबा कर सिलाई लगा देंगे चारों में ही। ये देखिए कलियों पर सिलाई हमने लगा दी है, इनको पलट देंगे। और अब हमें क्या करना है, इसको करना है उल्टा। और ये इतना दीदी ने फोल्ड करने के लिए रखा था, ये 1 और ये 2 पलटी में इसको फोल्ड करेंगे। स्लीव्स हमने फोल्ड कर दी है, अब हमें यहाँ पर इसमें अस्तर लगाना है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसमें फुल आस्तीनों में भी अस्तर लगा सकते हैं, क्योंकि किसी को अगर दिक्कत हो तो, हमारे कस्टमर जो थे उन्होंने बोल दिया था कि हाँ उनको इतना ही लगा देना चल जाएगा। तो ये जो है हमारा अस्तर, इसको हमने खोला, ये जो कली है इसको यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस वाली को यहाँ पर रख के इधर सिलाई लगाएंगे। दोनों पे सिलाई लगा दी है, पलट के नाखून लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है और यहाँ से इसको 1 और ये 2 पलटी में फोल्ड कर देना है। ये देखिए अस्तर हमने फोल्ड कर दिया है दोनों को। अब हमें क्या करना है, ये अस्तर लेना है, यहाँ पर रख लेना है, यहाँ पर आस्तीनों के ऊपर साइड, और यहाँ से इसको अटैच करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच कर लेंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर अटैच करना है फ्रेंड्स, यहाँ नीचे साइड अभी अटैच हम नहीं करेंगे, अभी नहीं कभी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं, अगर अटैच कर देंगे तो फिर यहाँ पे झोल आएगा, सिलाई दिखेगी। हाँ सिलाई भी दिखेगी ऊपर, वो भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम यहाँ पे अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर साइड ही अटैच करना है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको अटैच कर दिया है और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक के मार्जिन की हम फिनिशिंग कर देंगे। ये देखिए फिनिशिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, स्लीव्स को हटा देना है, स्लीव्स का लास्ट में काम है। तो अब हमने ये ले लिया फ्रंट पार्ट, ये है दोनों फ्रिंज कट वाला, और अब हम लेंगे बैक पार्ट। पहले हम बैक पार्ट बना लेते हैं फिर फ्रंट वाला बनाएंगे। इसको हमें खोल के सिंगल करना है, सिंगल कर लिया, इस अस्तर को इसके ऊपर रख लेना है, रख लिया। रखने के बाद इसको हमें ऐसे ही रखे रहने देना है, ठीक है। अब आप लोग समझते जाइए फ्रेंड्स, मैंने वैसे तो आपको फ्रिंज कट ब्लाउज पहले भी और बनाना सिखाया है, तो 2-3 अलग, मतलब उसमें अलग ट्रिक से मैंने आपको बनाना सिखाया था, लेकिन आज मैं आपको अलग ट्रिक बता रही हूँ, जो है शॉर्ट ट्रिक और जल्दी सिलाई करने की, मतलब जिससे आप स्पीड में काम कर सकते हैं। सब लोग मुझसे पूछते हैं प्रीति आप इतनी जल्दी कैसे करती हैं, मैं आज वही बता रही हूँ कैसे ट्रिक यूज करती हूँ। इसको जैसे था वैसे ही रख दिया। अब हमने ये वाला ले लिया, इसको खोला हमने, इसके ऊपर अस्तर रख लेंगे। इसके बाद यहाँ आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी खोल के सिंगल किया, इसके ऊपर ये रख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलाई लगाना है, जितना हम दबाते हैं ना उतना ही दबाकर यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमें सिलाई लगाकर इसको, मतलब जितने भी टुकड़े हैं उनको सबको नीचे से जोड़ देना है, नीचे से सिलाई लगा देना है। हाँ। ये है सबसे शॉर्ट ट्रिक। ये देखिए सांप की तरह इन्होंने लाइन बना ली है। हाँ, बना ली है, वही पूरे अटैच हो चुके हैं। देखिए यहाँ से इस पे लेके मैंने लाइन से सिलाई लगा ली है, ताकि देर ना हो और कोई सा गड़बड़ भी ना हो। सामने रख रख के लगाना है, दोनों सामने जैसे मैंने बताया था। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से पलट देना है, सबको पलट देना है, और पलट दिया। और हम क्या करेंगे, ये तो ऐसे हमने पलटा, ये मार्जिन ऐसा ही रहा, इसको हमने पलट दिया, सभी में ऐसे ही करना है। इसमें हमें लगाना है यहाँ पर बूट की सिलाई, इस मार्जिन को अटैच करने के लिए, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, पूरे इसमें लास्ट तक। ये देखिए यहाँ से लेके पूरे हमने यहाँ तक मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से पलट देना है, पलट दिया पीछे साइड अस्तर को। ये देखिए ये पलटा गया है पूरा पीछे साइड पर, हमें पीछे साइड से ना हमें सिलाई आगे साइड से ही इसमें लगानी है। पूरा अस्तर करेंगे हम अंदर, और यहाँ से इसमें पॉइंट की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए पॉइंट की सिलाई हमने लगा दी है, और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जरूर पीछे पलट देना है, और अब हम इसको कट करके अलग अलग भी कर लेंगे,
क्योंकि यहाँ तक तो हमारा काम एक साथ हो जाता है, पर अब क्या है अस्तर अटैच करने में झोल आएगा अगर अपन एक साथ रखेंगे तो, इसलिए अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से दो दो कर लिए हमने, ये दो अलग, ये दो सेट अलग और ये बैक पार्ट अलग। अब हम क्या करेंगे, ये हमने बढ़िया बराबर मिलाया, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक कच्ची सिलाई से इसको अटैच करेंगे। इस वाले को भी हमें ऐसा ही करना है, यहाँ ऐसे रखना है, ऐसे रखने के बाद यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक और यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से घुमाते हुए पूरे यहाँ तक निकाल देंगे, ठीक है। और इस वाले में क्या करेंगे, फिर इसको भी ऐसे ही रखेंगे, हम ऐसी सिलाई लगाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लगाते हुए यहाँ गए और यहाँ से निकाली सिलाई और यहाँ से दोबारा से लगाते हुए पूरे यहाँ तक लगा देंगे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमने अटैच कर दिया है, इसको भी और इसको भी, इन सारों को अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ना वेलवेट वाला, यहाँ से सभी जगह से इसको हमें कटिंग कर देना है और बैक पार्ट का पूरे तीनों का कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इसकी फिनिशिंग मैंने पूरी कर दी है, ये देखिए, और इन सारे की फिनिशिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, पहले बैक पार्ट पूरा तैयार करके रख देते हैं। ये हमने लिया, ये शोल्डर है हमारा, इसको बीच में से ये देखिए मिलाया यहाँ से, और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे, ये आ गया सीधा, पलट दिया, ये देखिए यहाँ से हमें आधे इंच लेना है, ये लिया हमने, और यहाँ से लंबाई में हम 3.5 से 4.25 इंच की भरेंगे, पर मतलब 3.5 तक तो बस मोटी लेंगे और फिर यहाँ से ऐसी पतली करते जाएंगे। इस तरीके से हम सल भर देंगे, इसमें टक्स जो होती है ना टक्स बना देंगे, कोने में पक्की सिलाई करना है। ये वाली बनाने के बाद हमें यहाँ से इसको उठा के इस मार्जिन से मिलाना है, इस तरीके से यहाँ से लिया, मार्जिन से मार्जिन मिलाया और यहाँ से इस वाले मार्जिन को मिलाया, यहाँ से इसके जैसे इस पे निशान लगा लेंगे, यहाँ तक आइए और यहाँ से इस पे निशान लगा लेंगे कि यहाँ तक लेना है हमें, और यहाँ से भी देख लेंगे अब बीच शोल्डर में ही आएगी, ये देखिए बीच में ही आ रही है ना, इसमें भी आधे इंच की सिलाई लगा देंगे हम यहाँ से लेके ऐसी, ये देखिए बन चुकी है, सीधा करके देखेंगे एकदम सही आ रही है दोनों धागे कट कर लेंगे। बैक पार्ट पूरा रेडी हो चुका है, अब हमें फ्रंट पार्ट बनाना है, तो ये हमने ले लिया है, इसको ऐसे रख लेंगे, ये वाला इस साइड का है और ये वाला इस साइड का है, ये लिया हमने, यहाँ से प्रिंस कट को शेप को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाना है नीचे साइड से, क्योंकि यहाँ का हमें बराबर चाहिए, यहाँ से 19-20 हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बराबर मिलाकर यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच कर देंगे और इस वाले को साइड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से रखना है इसको, यहाँ कॉर्नर पे पक्की सिलाई कर लेंगे, हो गया हमारा जॉइंट प्रिंस कट का शेप। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों प्रिंस कट शेप मैंने ज्वाइन कर दिए, अब हमने इसको सीधा करके रख लिया क्योंकि इसमें हुक की पट्टियां लगाना है। तो कैसे लगाएंगे हम हुक की पट्टी, ये राइट हैंड साइड में लगाएंगे हम हाई वाली पट्टी और लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे हुक वाली पट्टी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे पास फैब्रिक बचा था इस टाइप का जो कल आपने देखा होगा वीडियो में, तो पहले मैं सोच रही हूँ इसमें गले की पट्टी निकाल लेते हैं इसमें से। तो ये हमने लिया, तो इसमें से हमें इसमें से हुक हाई की पट्टी भी निकालना है क्योंकि ये दोनों पट्टियां इसमें से नहीं निकल पा रही हैं, इसलिए मैंने पहले निकाल लेती हूँ यहाँ की। तो यहाँ से रख लेंगे हम, ताकि ये वाला इधर का जो फैब्रिक बचेगा ऐसे करके रखेंगे हम, ये देखिए अब सही है, यहाँ से जो फैब्रिक बचेगा इसमें से ये हुक वाली पट्टी निकल जाएगी हमारी, ये देखिए like a bird on a tree निकल गई है, यहाँ से शेप में कटिंग कर लेंगे। I'm just sitting here. ये देखिए ये कटिंग हो चुकी पट्टी, अभी हम रख लेंगे, पहले हम हुक आई की पट्टियाँ लगाएंगे। तो ये वाला जो हमारा फैब्रिक बच गया है इससे लगाएंगे, ये हम बचा नहीं है, ये हमने बचाया है तगड़म लगा के। तो ये वाला जो फैब्रिक है ना हमने बचाया है, जो इसकी पहले हम हुक की पट्टी लगा लेते हैं, इसको हम ऊपर साइड रखेंगे, रख लिया। इसको हम इतना दूर से कट कर लेंगे और यहाँ से भी कट कर लेंगे, करके बता देती हूँ, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक 2.5 इंच की लेना है, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच की ले लेंगे तो आप एकदम सही आ जाएगी। पलट दिया मार्जिन इधर साइड पलट देंगे, ये वाली सिलाई लगाने के बाद ये हमने इसको पलटा, यहाँ से मार्जिन को बराबर किया, यहाँ से ऐसी हम सिलाई लगा देंगे इस पे। It's clear to see from up here, the world seems small. ये हो गई कटिंग और ये हमारी हुक की पट्टी लग चुकी है। अब हमें राइट हैंड साइड वाले में लगाना है हाई की पट्टी, तो इसके लिए हम इसको उल्टा करके रखेंगे, पहले वाली सीधे करके लगा। ये वाला हमने जो फैब्रिक है इसको ले लेंगे और इसको आपको लगभग 3.5 से लेके 4 इंच तक का लेना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 इंच की पट्टी हमने कट कर ली है,
इसको यहाँ से पलट दिया और यहाँ से यहाँ तक मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से ये लिया और यहाँ से आधी पलटना है इसको, हमें पूरा बाहर नहीं रखना है, लगभग आधा रखना है। यहाँ पे सिलाई आ जाएगी, बिल्कुल बीचम बीच में हमने सिलाई मार दी। हाँ, ये वाली पट्टी लगाने के बाद हम अभी इसको कट नहीं करेंगे, हम इस पे ये एक और जो पार्ट है हमारा हुक वाला उसको रखेंगे। रखने के बाद इसका नेक का शेप चेक करेंगे। ये देखिए नेक का शेप तो एकदम सही है, पर ये इस पट्टी को यहाँ से हम सीधा कट करेंगे। ये देखिए, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से वी में कट कर देंगे तो ये बहुत नीचे चली जाएगी। अब देखिए एकदम सही आ रहा है, परफेक्ट। अगर सीधी चली जाएगी तो फिर यहाँ पर हुक कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, कट ही जाएगा। यहाँ पे हमें ऐसे हुक लगाने के लिए हमने इसको सीधा कट किया है, तिरछा नहीं किया है। अब इसमें गले की पट्टी लगना है। हाँ, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें ये गले की पट्टी ले लेना है और यहाँ से देखिए ये आ रही बिल्कुल परफेक्ट हमारी, एक इस साइड के लिए है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसमें, यहाँ तक सीधी और यहाँ से गोलाई। ये लगा दी, यहाँ पे एक कट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नॉक टाइप की है और इसमें पूरे में गोलाई थी, तो यहाँ पे भी कट्स लगा दिए। अब इसके मार्जिन को इस साइड करके इस पर सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर। ये लगा दी हमने, इसको पलट देंगे, पलटने के बाद इसको अंदर पलटते जाएंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगाते जाएंगे। और आप चाहें तो इसके ऊपर पहले सिलाई लगाकर इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। Like a bird on a tree. अब हमें यहाँ से क्या करना है पहले ही देख लेना है। यहाँ से ये ली पट्टी हमने, अंदर कर दी और यहाँ से बिल्कुल सही शेप बना लेंगे इसका। कॉर्नर पे हमने पक्की सिलाई कर दी। ये देखिए हमारी पट्टी लग चुकी है और आगे से देखिए ऐसी आई है। अब इसको हम रखेंगे, पहले इस वाले में और पट्टी लगा लेते हैं फिर ही रख लेंगे डायरेक्ट। अब ये लिया हमने यहाँ से हम इसमें ऐसी सिलाई लगा के जैसे हमने इस साइड वाली की पट्टी लगाई है सेम ट्रिक से इसकी भी लगा दी। ये देखिए ये वाली पट्टी भी हमने लगा दी है। अब हम इसको मेजर करके देखेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया आ रही है और गले का शेप भी एकदम बढ़िया आ रहा है हमारा, यहाँ से फैला हुआ भी। हाँ, फैला हुआ भी मस्त सा। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हाई बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 गड़बड़ कर ली। हाँ, देखिए एक तो यहाँ बना देंगे। अब हम इंची टेप से नाप कर निशान लगा लेंगे। ये एक बना दी, ये हम 1.25 पे, ये फिर 1.25 पे एक और, 1.25 पे एक और, फिर 1.25 पे और एक यहाँ कॉर्नर पे। अब सही आ रहेंगे। हाँ, आप तो नाप कर बना लीजिए। हाँ, आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग बनाएंगे वैसे भी। ये देखिए मशीन की हाई इसमें हमने बना दी है और आप चाहें तो इसमें हाथ वाली हाई भी बना सकते हैं। ये हमारा पूरा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है, अब हमें इसको हटा देना है और बैक पार्ट को बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बैक के गले में भी हमें पट्टी लगाना है क्योंकि इसमें पाइपिंग तो लगेगी नहीं। हाँ, वेलवेट के कपड़े में पाइपिंग तो लगना नहीं है, तो हमने ये इसको डबल फोल्ड कर लिया है और एक हमने अलग फैब्रिक लिया है इसमें पट्टी लगाने के लिए, क्योंकि इसमें से फैब्रिक हमारा नहीं बचा है। ये हमने लिया, यहाँ पर रख दिया और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। इसको कट करने के बाद यहाँ से हम इतनी इतनी दूरी से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए पट्टी निकल चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेना है और ये 2.5 इंच पर कट लगा देना है। लगा दिया डोरी का। हाँ, डोरी का कट लगाने के बाद ये हमने इसको खोल दिया है। ये हमने कट लगाया था ना, यहाँ पे हमने एक डोरी रख दी है और एक डोरी हम इस साइड रख देंगे ताकि हमें ये चुभे भी नहीं हमारे कस्टमर को और ऊपरी भी निकलेगी भी नहीं। हाँ, निकल अंदर से लगाते हैं तो निकलती नहीं है, नहीं तो ऊपर से खसक जाती है। यहाँ से हम सेंटर से मिलाएंगे इस पट्टी को, यहाँ से रख दी हमने और यहाँ से जितना हमने आगे दबाया था ना सिलाई में उतना ही दबाकर इस पट्टी को यहाँ पर हम लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद ये चौकोर गले के जो कोने हैं इनमें ऐसे कट लगा देंगे। लगा दिया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे हमने आगे की पट्टी के मार्जिन को ऐसे करा था ना, मार्जिन यही रहेगा, पट्टी यहाँ करेंगे और इसके ऊपर यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए पट्टी को हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दी है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख, यहाँ से इसको मिलाया, ये पलटा इसके ऊपर और इस पट्टी के मार्जिन को भी पलट देंगे क्योंकि इसको हमने फोल्ड नहीं किया है। एक शोल्डर जॉइंट हो गया है, ऐसे ही हम इस वाले को कर लेंगे। पट्टी एक बार बता दो, समझ में नहीं आया। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर यहाँ बिल्कुल बराबरी से हमने रखा है इसको। रखने के बाद पट्टी को इसके ऊपर पलट दिया इस साइड, फिर पट्टी के मार्जिन को पलट दिया। ठीक है, तो इससे क्या पट्टी का मार्जिन फोल्ड हो जाएगा।
अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे डबल। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे, सीधा होने के बाद ही ऐसा आ जाएगा। इसको पलट के करेंगे उल्टा। ये देखिए हमने इसको पलट के उल्टा कर लिया और अब हम यहाँ से इस पट्टी को ये हमने फोल्ड की, ये फोल्ड करी और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। पट्टी लगाने के बाद ये जो हमारी डोरी है इसमें हम लटकन लगा लेंगे। तो ये हमारे गले में जो फैब्रिक बचा था इसको हमने यहाँ से फोल्ड किया और यहाँ से ये रख दी डोरी। डोरी रखने के बाद इसको फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे, पलट के सीधा कर लेंगे। लटकन बन, ये बन गया है, एक और बना देंगे। दोनों लटकन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसमें स्लीव्स लगाना है। तो पहले हम ये दोनों शोल्डर जो थोड़े से बड़े हो रहे हैं इनको बराबर कर लेंगे। शोल्डर दोनों कटिंग करके बराबर कर लिए हैं। और स्लीव्स लगाने से पहले फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है इसमें, वो आपको चेक करनी होती है। इसको इसके ऊपर पलट दीजिए, यहाँ कॉर्नर से मार्जिन मिलाइए और अब देखिए आप ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है कॉर्नर से इतना। इसको हम कटिंग कर देंगे क्योंकि नहीं तो फिर बाद में स्लीव्स बढ़ जाती है। ये कट दिया, ऐसे ही हम इस साइड भी कर लेंगे। दोनों को हमने बराबर कर लिया है। अब हमें ये स्लीव्स लगाना है इसमें। तो ये गोलाई वाली स्लीव्स लेंगे हम। ये देखिए इसमें गोलाई है ना, ये गोलाई वाली आगे रख लेंगे और यहाँ से इसको पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ से ये रखी हमने, यहाँ से ये मेजर करी और यहाँ से लेके यहाँ तक स्लीव्स लगा देंगे। इस वाली को यहाँ पर और इस वाली को हम यहाँ पर। और फ्रेंड्स स्लीव्स को हमें सिंपल ही लगाना है, जैसे हम सूट में लगाते हैं ना वैसे ही लगानी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगाकर स्लीव्स इसमें लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसमें फिटिंग करनी है। तो इसको पलट देंगे और यहाँ से कॉर्नर से ये देखिए, पहले तो इसको सेंटर से मिला के देखेंगे कैसा आ रहा है। तो बिल्कुल बराबर ही आ रहा है। यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें एक सिलाई लगा देंगे, सिर्फ यहीं तक, स्लीव्स पे नहीं लगाएंगे। और इसमें भी यही करना है हमें, कॉर्नर से लिया हमने और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दी। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है दोनों साइड, स्लीव्स पे नहीं लगाई है। ये देखिए खुली है स्लीव्स। अब हमें इसमें फिटिंग लगानी है। फिटिंग लगाना कैसे है, ये देखिए कमर कितनी थी हमारी 29, 2 इंच की लूजिंग ऐड करी हमने, कितनी हो गई 31। और लूजिंग ऐड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पट्टियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी तो बराबर आ जाएगा। तो अब हमें 31 चाहिए इसकी कमर। तो यहाँ कॉर्नर से लिया इसको सिंगल करके 31 इंच नापेंगे हम। ये आ गया हमारा यहाँ पर 31 इंच, ये हमने निशान लगा लिया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस मार्जिन को नाप के देखेंगे, ये आ रहा है हमारा 7 इंच का मार्जिन आ रहा है। ये हमारा यहाँ से 7 इंच, ये हमने फोल्ड करा एक बार, इसका चौथा ही भाग करना है क्योंकि एक बार और फोल्ड कर लेंगे। कितना आ रहा है, 1.25 इंच, ठीक है। 7 का चौथा ही भाग आएगा हमारा 1.25 इंच। यहाँ पे हमने रखा, ये सिलाई के पास रखना है, ये 1.25 को रखने के बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। 19-20 आ रहा है इस निशान से। ये हमने मिलाई स्लीव्स को और यहाँ से हमें फिटिंग लगाना है, यहाँ से पूरे यहाँ तक। यहाँ पे 8 नाप के लगानी है। ये वेलवेट का फैब्रिक होता है ना फ्रेंड्स, तो सिलाई लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है, मोटा होता है ना इसलिए। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. ये लग गई हमारी स्लीव्स की फिटिंग। अब हम इसके ऊपर डबल सिलाई कर देंगे और यहाँ पर स्लीव्स में थोड़ी सी गोलाई डाल देंगे। अब हमें दूसरी सिलाई लगाते टाइम यहाँ शोल्डर से इंची टेप को रखना है और 11.5 इंच पे ये देखना है हमें हमारी स्लीव्स की फिटिंग। यहाँ की फिटिंग हमारी कस्टमर की आप नाप के देख लीजिए, कौन ही थोड़ा ऐसा फोल्ड करवा के कितनी आ रही है। जो हमारी कस्टमर है उनकी आ रही थी 11 इंच, तो ये देखिए हमने 11 पे निशान लगा लिया। बस यहीं से टाइट नहीं होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग करके इसको हमने बराबर कर दिया है। अब हम 1/2 इंच दूर से इस पे एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ की फिटिंग हमारी हो चुकी है। इसके जैसी फिटिंग हम इस साइड भी कर देंगे। इस साइड की फिटिंग हमने कर दी है, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप ऐसी मतलब वेलवेट का ब्लाउज बना सकते हैं, वेलवेट की साड़ी भी और ब्लाउज भी। सर्दियों में पहनने के हिसाब से बहुत सही रहती है शादियों में, क्योंकि इसमें सर्दी नहीं लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बस हुक लगना है इसमें बाकी है, वो आंटी लगाएंगी कलाकर और पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स बताइए आपको वेलवेट का सर्दियों के हिसाब से ये ब्लाउज कैसा लगा। फुल स्लीव्स भी है, बढ़िया सर्दी भी नहीं लगेगी। और हम लोगों के सब्सक्राइबर ने डिमांड की थी, इसलिए हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना आपको बता दिया है, और वो भी बहुत आसान तरीके से और जल्दी कैसे बनेगा वो भी ट्रिक बता दी मैंने कि जल्दी सिलाई करने की कौन सी ट्रिक होती है, फ्री थी कैसे जल्दी जल्दी कपड़े सिल ले। हाँ तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल